फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो हमारे डेली रूटीन से जुड़ा हुआ है। यानी हमें अपने डेली लाइफ में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहाँ हम कहते हैं अगर जरूरत हुई तो, जैसे अगर जरूरत हुई तो एक डॉक्टर को बुला लेना, या अगर जरूरत हुई तो मुझे फोन कर लेना, अगर जरूरत है तो एक मोबाइल खरीद लो, या फिर अगर जरूरत हो तो 190 डायल करना। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इफ नीड बी का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यानी इफ नीड बी, अगर जरूरत हुई तो, जैसा कि मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स लिखा हुआ है ताकि आप इस कंसेप्ट को आसानी से समझ सकें। तो आइए फिर देखते हैं वो क्या एग्जांपल्स हैं। अगर जरूरत हुई तो 190 डायल करना, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ नीड बी डायल 190, अगर जरूरत हुई तो मुझे बता देना। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ नीड बी इनफॉर्म मी। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि जब आपको कहना हो अगर जरूरत हो तो, या अगर जरूरत हुई तो, आप कहेंगे इफ नीड बी। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, तो आप कहेंगे इफ नीड बी कॉल मी, या इफ नीड मी मेक मी अ कॉल। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि जरूरत हुई तो मैं आपको फोन कर लूंगा, तो आप कहेंगे इफ नीड बी आई विल कॉल यू, या इफ नीड बी आई विल मेक यू अ कॉल। अगर आपको कहना हो जरूरत हो तो एक डॉक्टर को बुला लेना, तो आप कहेंगे इफ नीड बी कॉल अ डॉक्टर। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो अगर जरूरत हो तो मेरी कार ले लेना, तो आप कहेंगे इफ नीड मी टेक माई कार, या अगर आपको कहना हो अगर जरूरत भी तो मैं आपसे पूछ लूंगा, तो आप कहेंगे इफ नीड बी आई आस्क यू। अगर आपको कहना हो अगर जरूरत हुई तो मेरे पास चले आना, तो आप कहेंगे इफ नीड बी कम टू मी, यानी अगर जरूरत हुई तो मेरे पास चले आना। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो अगर जरूरत है तो स्पोकन क्लास ज्वाइन कर लो, तो आप कहेंगे इफ नीड बी ज्वाइन स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो अगर जरूरत हो तो एक दर्द की दवा खा लेना, तो आप कहेंगे इफ नीड बी टेक अ पेन किलर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपने इस कंसेप्ट को समझा कि जब आपको कहना हो जरूरत हो तो आप इफ नीड बी का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।